नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के लिए पूरी तरह तैयार है रूस। बाइडेन ने चेताया, दुनिया पर आने वाली है कयामत की रात। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भविष्यवाणी की है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है और यह पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित होगा। जो बाइडेन के इस बयान के पीछे रूस के द्वारा दी जा रही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की धमकी है। दरअसल पिछले लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस की सेना ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उससे काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अपने देश के हित में यूक्रेन पर परमाणु बम का प्रयोग करने की धमकी दी गई है। पुतिन के इस बयान के बाद बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि मैं पुतिन को अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर वह कह रहे हैं कि वह यूक्रेन पर परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि वह ऐसा कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह स्थिति 1962 के क्यूबा संकट जैसी स्थिति बन गई है। 1962 के बाद कभी भी दुनिया में इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन रूस की परमाणु बम का प्रयोग करने की धमकी के बाद यह स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। बाइडेन को सता रहा तीसरे विश्व युद्ध का डर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु संघर्ष का जोखिम उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि रूसी अधिकारी यूक्रेन में 8 महीने से जारी हमलों के दौरान बड़े पैमाने पर झटकों का सामना करने के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना की बात कर रहे हैं। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट प्रचार अभियान समिति के लिए चंदा एकत्रित करने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब परमाणु हथियारों या जैविक या रासायनिक हथियारों के उपयोग के बारे में बात करते हैं तब वह मजाक नहीं करते हैं। बाइडेन ने कहा, हमको कैनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से संघर्ष की आशंका का सामना नहीं किया है। बाइडेन ने रूसी परमाणु सिद्धांत को भी चुनौती दी और चेताया कि कम क्षमता वाले सामरिक हथियार का उपयोग जल्द ही नियंत्रण से बाहर होकर वैश्विक विनाश का कारण बन सकता है। कई महीनों से अमेरिकी अधिकारी इस आशंका को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन में सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग कर सकता है, क्योंकि उसे हाल के युद्ध में कई रणनीतिक असफलताओं का सामना करना पड़ा है। क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे? क्रेमलिन पर नजर रखने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रूसी सेना की परमाणु धमकी सिर्फ झांसा है या इसमें अहम और कठिन सवाल नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए विश्लेषक सतर्कता पूर्वक यह सुझाते हैं कि इस बात का जोखिम कम लगता है कि पुतिन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार के जखीरे का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में बढ़ा परमाणु संकट। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि पुतिन परमाणु हमले का रुख कर सकते हैं तो इसके रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। सवाल यह है कि क्या इससे पुतिन के हाथ रुकेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। क्रेमलिन पर नज़र रखने वाले बेचैनी के साथ स्वीकार करते हैं कि वे पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि वह क्या सोच रहे हैं, और फिर वह तर्कसंगत और परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं। रूसी खुफिया संस्थान KGB के पूर्व एजेंट ने जोखिम और अस्थिरता का सामना करने का मादा दर्शाया है। रूस के इस कदम पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बॉन्स ने कहा है कि हमें इसे गंभीरता से लेने और वास्तविक तैयारियों के संकेत को देखने की ज़रूरत है। क्रेमलिन पर नज़र रखने वाले आंशिक रूप से इस बात को भी माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर कैसे परमाणु ताकत यूक्रेन में रूस के सैन्य नुकसान की भरपाई में मदद कर सकती है। यूक्रेनी सैनिक अपनी ज़मीन पर फिर से कब्जा करने के लिए बड़ी संख्या में टैंकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और कभी कभी गांव के रूप में छोटे स्थानों के लिए लड़ाई होती है। ऐसे में रूसी परमाणु ताकतें विजयी प्रभाव के साथ क्या लक्ष्य तय कर सकती हैं? रूस ने दी यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की धमकी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि परमाणु हथियारों को घेरने वाली वर्जना एक निरोधक है। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बमों से जापानी शहरों को नष्ट करने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में मानवीय पीड़ा का भयावह पैमाना ऐसे हथियारों के दोहराव के खिलाफ एक शक्तिशाली तर्क था।
इन हमलों में करीब 2,10,000 लोगों की जान गई थी। विकिरण के दुष्प्रभाव दुनिया ने वर्षों देखे हैं, इसके बाद भी किसी देश ने परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि पुतिन के लिए यह सब आसान नहीं होगा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले नेता बने। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।